नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जनरल बिपिन रावत, जिनके नेतृत्व में सेना ने नापाक पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ कई अभियान चलाए और न जाने कितने ही आतंकियों को ढेर किया। इससे हुआ ये कि देश के साथ साथ दुनिया भर में रावत की अपनी ही अलग छवि बन गई और अब तो उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जैसे महत्वपूर्ण पद की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। और अब जब जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए इस पद को संभाल ही लिया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और इसके साथ ही उन्होंने अपने पद के अनुरूप काम करना भी शुरू कर दिया है। तैनाती के साथ ही युद्धकाल में दुश्मन के लिए चक्रव्यूह रचने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जनरल बिपिन रावत ने थिएटर कमांड बनाने की बात कही है। थिएटर कमांड एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन पर अचूक वार के लिए सेनाओं के सभी अंगों के बीच बेहतरीन तालमेल का एक सिस्टम है और जिस तरह से विश्व स्तर पर युद्ध की रणनीतियों में लगातार कई तरह के बदलाव आ रहे हैं, उसके मद्देनजर ये थिएटर कमांड का बनना भारत के लिए जरूरी हो गया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक करके थिएटर कमांड बनाया जाएगा। अब सवाल ये कि क्या है थिएटर कमांड और इससे देश को क्या फायदा होने वाला है। तो थिएटर कमांड सेना के तीनों अंगों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ साथ अन्य सैन्य बलों को एक ही भौगोलिक क्षेत्र में एक ही ऑपरेशनल कमांडर के नीचे लाकर थिएटर कमांड बनाया जाता है। वैसे तो भौगोलिक आधार पर इसका निर्माण होता है, लेकिन कई बार समान भूगोल वाले युद्ध क्षेत्र को हैंडल करना भी इसका मकसद माना जाता है। सुनिश्चित किया जाता है कि जल, जमीन और हवा में एक बैलेंस बनाकर युद्ध अभियानों का संचालन हो। अभी तक देश में एक ही थिएटर कमांड है जो साल 2001 में स्थापित किया गया था। इसे अंडमान और निकोबार कमांड के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर जनरल बिपिन रावत को थिएटर कमांड की जरूरत क्यों महसूस हुई। तो इसका फायदा यह होगा कि इससे देश के करीब 15 लाख सशक्त बल को फिर से संगठित किया जा सकेगा, जिसे अभी फंड की कमी से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा वेतन और भत्तों की बढ़ती जरूरतों पर ही खर्च हो जाता है। भारत में भी 17 सिंगल सर्विस कमांड्स हैं, जिनमें 7 आर्मी के, 7 एयरफोर्स के और 3 नेवी के सर्विस कमांड्स हैं। तो अब आगे 6 थिएटर कमांड्स बनाने के विकल्प सुझाए जा रहे हैं, जिसमें चारों दिशाओं के अलग अलग थिएटर कमांड्स होंगे। योजना के मुताबिक पहला इंटीग्रेटेड वेस्टर्न थिएटर कमांड होगा, जो कि पाकिस्तान से सटे पंजाब के मैदानी इलाके से लेकर राजस्थान के थार मरुस्थल से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक होगा। इस थिएटर कमांड की रक्षा की जिम्मेदारी मौजूदा पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी कमांड्स पर होगी। दूसरा इंटीग्रेटेड नॉर्दर्न थिएटर कमांड होगा, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्रों में पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने वाला होगा। मौजूदा नॉर्दर्न कमांड का पूरा एरिया इसी के अंदर आएगा। तीसरा इंटीग्रेटेड ईस्टर्न थिएटर कमांड बनाने की योजना है, जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ सटे इलाके की निगरानी करने वाला होगा, जिसकी जिम्मेदारी आर्मी और एयरफोर्स की ईस्टर्न कमांड की होगी। चौथा इंटीग्रेटेड साउदर्न थिएटर कमांड होगा, जिसके अंदर पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी समुद्री तटों की रक्षा के लिए समुद्री बेड़े और हवाई सैन्य ताकतें होंगी। अंडमान और निकोबार कमांड भी इसी के अंदर आएगा। पांचवें थिएटर कमांड की बात करें तो ये इंटीग्रेटेड एरोस्पेस कमांड होगा, जिस पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस और स्ट्रैटेजिक एयर ऑफेंसिव समेत देश के वायु क्षेत्र की रक्षा की जिम्मेदारी होगी। छठे इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स कमांड की जिम्मेदारी होगी देश में एक से दूसरे थिएटर तक सैन्य बलों और साजो सामान को पहुंचाने की। इसके अलावा जल, थल, वायु तीनों परिवहन मार्गों का इस्तेमाल करते हुए विदेशी थिएटर ऑपरेशंस तक पहुंच सुनिश्चित करना भी इसी थिएटर कमांड का जिम्मा होगा। तो ये थिएटर कमांड देश को एक सुरक्षित माहौल प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि वैसे तो पुराने सभी विभागों के प्रमुख सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन नए रक्षा कार्य विभाग के मुखिया CDS को 3 सैन्य प्रमुखों की तर्ज पर कैबिनेट सेक्रेटरी की रैंक दी गई है। अब ये सीधे रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी के दायरे से तीनों सशस्त्र सेवाएं, उनके संबंधित मुख्यालय, टेरिटोरियल आर्मी और जल, थल और वायुसेना से संबंधित सभी कार्यों को बाहर कर दिया गया है। ये सब अब CDS के अंदर वाले DMA के दायरे में आ गए हैं, जिन्हें आज प्रमुख दायित्वों की जिम्मेदारी दी गई है।